लोग ना बहुत ज्यादा ही अपना लिमिट करो। मेरी बहू मैं आंचल पर उतारी, क्यों मैं बहू को छोड़ दूं अकेले मरने के लिए? उसका नहीं, बेटी बेटी है तो बहुत अच्छा है, बेटी को करके दो, बहू को करके दो तो बुरा है। खाना बनाने के बाद मैं आज करने वाली हूँ लुक, पंजाबी लुक। तो आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी मेरा पंजाबी लुक कैसा लग रहा है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अब मैं और कंचन जा रहे हैं बाहर वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि गुनगुन और मुनमुन गई है पिकनिक पे, तो सारा शूट आज का कंचन ही करेगी। अभी मैं करवा चौथ का शूट करके लूंगी थाली का, उसके बाद मुझे बाहर जाके पंजाबी लुक करना है। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पूरा दिन में क्या क्या करूंगी पूरा आज के ब्लॉग में कैप्चर होने वाला है। तो इस ब्लॉग में, इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। हेडफोन गिर गया, फोन वीडियो कट हो गया, तो मैं अभी जा रही हूँ शूट करने एक मंदिर में मेरी नंदन के साथ। हम दोनों जाएंगे पिकनिक पे, गई है हम लोग, तो हम दोनों जाएंगे आज शूट करने के लिए। और देखते हैं किस तरह से शूट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर एंजॉयमेंट हो रहा है, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ फिर हेडफोन के लिए। मेरा फुल लुक मैं अभी आपको मंदिर में जाके दिखाती हूँ, ठीक है? देखो ये आज चला रही है मैडम गाड़ी, पाव लगता है ठीक हो गया। देखो जरा पाव की कंडीशन, चलाते रहिए। थोड़ा थोड़ा चल रहा है, उतना मतलब दर्द वगैरह अब नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद में गाड़ी चला रही पूरा। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, 3 महीने नहीं 4 महीने होने वाले है ना, इतना जल्दी जल्दी टाइम जाता है। बाप रे, मैं आई थी, हम लोग बिहार से आए थे और 15-20 दिन बाद आप कही हुआ था। हाँ, मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ, क्योंकि जस्ट अभी ही मैंने गाड़ी चलाया मतलब निकाला है, थोड़ा फ्लो आ गया। बट हाँ, मुझे अब बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। इधर से कम दिखाइए, मैं बहुत दिन के बाद चला रही हूँ तो डर लग रहा है। नहीं, डर नहीं लग रहा, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना, आ जाएगा पता। मैं मुझे जब ना बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है ना, होता था मतलब, तो मैं गाड़ी लेके निकल जाती थी। और मेरा ऐसा टाइम था कि मैं मतलब, आपको पता है मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारती है। अभी तो सब मम्मी कंचन बच्चे सबके ऊपर उतर रहा था। एक दिन तो बेचारी गुनगुन पड़ गई थी हाथ में आ गई। लेकिन अब ठीक है, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। जा रहे हम शूट करने मंदिर में, शूट करके फिर आपको दिखाते हैं। मैंने पहले ही दिखा दिया, फुल लुक कहाँ दिखाया आप? मैंने दिखा दिया, टांगे वांगे सब दिखा दिया। यार कितनी और समय यार, क्या कर रही है? ये देखो कपड़े सिलेंगे, ब्लाउज कपड़े खुद ही सिलेंगे, खुद ही ड्रेस बनाएंगे। तो ये सूट आपने खुद ही बनाया? काश मैं बना पाती। हमने इस दुकान पे कब्जा कर लिया है। क्या होताई तुम्हें अंदर बाहर, ये ताई अब बाहर बाहर जाएगी। सारे कस्टमर आमचे, सब पड़ती इनके सब कस्टमर भाग जाएंगे। हो गया मेरा पंजाबी लुक। ए देखो मेरी चोटी गायब हो गई, मेरी चोटी। अब खोल रही हूँ मैं पूरा अपना ताम झाम खोल रही हूँ, बिकॉज अब बहुत टाइम हो गया, खाना बनाने का समय हो गया। मम्मी गए हैं टहलने, सैर पे गए हैं। अच्छी लग रही हूँ ना मैं, देखो हाय कितने प्यारी लग रही हूँ। वहां मत देखना कबाड़ा है। तो सब खोल के देखती हूँ खाना क्या बनाना है। गुनगुन मुनमुन अभी तक नहीं आई है स्कूल से पिकनिक के लिए। देखो अभी 7:30 बज के, अभी तक वो लोग आई नहीं है। और मैं इतने ज्यादा थक गई, दो तो शूट किया मैंने, आज मैं बना रही हूँ चाय। अब मैं ऊपर जाऊंगी, थोड़े से काम पेंडिंग है वो कंप्लीट करना है मुझे, उसके बाद बनाऊंगा खाना। दाल निकाल के रखा है तो बनाऊंगी उसके बाद खाना। कैसे हो आप सब?
सो मेरा हो गया पंजाबी लुक कल ही कंप्लीट कर लिया। और फिर रात को मैं व्लॉग नहीं खत्म कर पाई क्योंकि मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि मैं सो गई। अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है ये बताने के लिए कि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा ही अपना लिमिट क्रॉस करते हैं। ज्यादा लिमिट क्रॉस ना इंसान ने नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सब लोग नहीं, 10 में से 2 लोग ऐसे आते हैं जो बोल के चले जाते हैं। वो लोग सोचते भी नहीं कि सामने वाले को कैसा फील होगा। ऐसे बोल के चले जाते तुम कितनी गंदी दिख रही हो। ठीक है, गंदी दिख रही हो, दिख रही हो। आपको पूछा मैंने कि मैं कैसे दिख रही हूँ। भगवान ने बनाया, जैसे बनाया वैसे बनाया है ना। एंड दूसरी बात, मेरी सास का मेरा रिलेशन, मेरी फैमिली में मेरा जो रिलेशन है, हमारा जो बॉन्डिंग है, मैं आज से नहीं है, मेरी शादी को 15 साल हो गए है ना। जो दिखावा होता है ना वो 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का होता है, सालों साल का नहीं होता है। आप लोग कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी बोल के चले जाते हो। इससे काम करवाती है, उससे काम करवाती है, तो करेगी नहीं, हेल्प करेगी नहीं। मेरे बाजू में ही रहती है मेरी सास है तो अकेले बहु मरते रहेगी, सास बैठ के खाली पालते रहेगी। अरे बोलते वीडियो बनाती है, तो वीडियो लाइव से बनाती है ना, तो बस सब उसका काम है तो काम नहीं करेगी। हमारे सास नहीं सास देगा, ससुराल में तो कौन देगा, पड़ोसी। देखो आप लोग ना बोलने से पहले सोच लिया करो क्या बोल। अगर सास खाना बना रही तो अगर बहू खाना बना रही सास सब्जी काट दी तो क्या गलत है। ये मत बैठे बैठे खाओ, एक दो काम मत करो। ये कौन बोल दिया, मैं करो तुम करो, तुम वीडियो भी बनाओ, तुम पैसे भी कमाओ, तुम घर का भी करो, तुम नहीं करे। बहू को काम है सब कुछ करना है, लेकिन सास बैठी तो हेल्प करे। हाँ भले बीमार है तो कोई बात नहीं है। सब लोग नहीं बोलते, जैसे 10 में से 1000 कोई आ जाएगा ऐसे बोलने वाले। तो मेरे सामने बोलेगा तब ना उसको मैं जवाब दूंगी। बोल के भाग जाते कमेंट। नहीं बेटी बेटी है तो बहुत अच्छा है, बेटी को करके दो, बहू को करके दो तो बुरा है। ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटी है तो उसको आगू में खाना निकाल के दो तो बहुत है, जो पैदा किया है। और दूसरे के घर से आई है तो वो बच्ची नहीं है, वो बुढ़ी हो गई है, सब वही करेगी साथ मिलकर के। तो सब घर में साथ मिलकर कर। हम लोग का जमाना अलग था, अब जमाना अलग हुआ। हम लोग का जमाना था कि सास बाहर से काम करती थी तो थकी रहती थी, घर में बैठे बैठे थोड़ा सब्जी कर दिया, थोड़ा चला दिया, तो क्या सास काम करती है, करेगी नहीं सास। बहुत दिन तक सास बनेगी तो उसको वही रिवाज का पैदा करके रहेगी कि हम भी अब सास बन गए तो बस देखा हो। मजा आया तो नहीं होगा, शोर हो रहा है नीचे हमारे घर में, नीचे काम चल रहा है, थोड़ा शोर होगा, आप लोग एडजस्ट करके लो, क्योंकि मेरे घर में हमेशा शोर होता ही रहता है। शोर नहीं, हमेशा ही शोर होता है। बच्चे रहेगा तो वो काम तो होगा करेगा। सबसे बड़ी बात ना, बहू कब आई आपके घर में, जब आपका बेटा था है ना, बेटा नहीं होता बहू भी नहीं आती। सब लोग तो वैसे परिच पर उतार लेते हैं, मैं बहू को आंचल पर उतारी हूँ। हाँ कुछ लोग सामने बोल रही हूँ ऐसे आंचल फैला दी, उतार मेरी बहू। जब मेरी शादी हुई ना तो क्या बोलते हैं वो गृह प्रवेश जब मेरा हुआ था तो सब फूल बरसाते, कोई क्या मतलब करते, मेरी सास ने आंचल धरती पे रखा था कि तुम इस पर पैर रख के उतरो। ये बात सच्ची, मेरा वीडियो है, किसी दिन मैं ब्लॉग डालूंगी उसका। मेरी बहू मैं आंचल पर उतारू क्यों, मैं बहू को छोड़ दू अकेले मरने के लिए। उसका है ना पूरा वीडियो बना हुआ है शादी का, होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है, इन्होंने मुझे जब उतारा था गाड़ी से, जब इतना मतलब मैं गृह प्रवेश हुआ तो आंचल पे मैं मतलब मेरा पैर रखवाया था अपना आंचल फैला के। तो आप लोग ना ये सब बोलना बंद करो, क्योंकि अब मेरे को ना इस सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत हो गया आप लोगों का। नहीं, नहीं, जो बोल रहा है तो उसको क्या करती है, सास उसको बैठी रहती है, पका के मुंह में खिलाती होगी। जलते हैं, बकवास करते हैं। कोई बोलता है, मुझे बोलता है मर जा तू जिंदा बच्चो। तुमको मरने से तुम्हारा घर संपत्ति उसको मिल जाएगा। मेरे मरने से उसको क्या फायदा है बताओ, ऐसे ही बोलते हैं लोग कुछ भी। सो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मेरे सोचे बात थोड़ा सा क्लियर करनी जरूरी थी, सो कर ली। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और धमाकेदार व्लॉग के साथ। बाय बाय, बाय बोलिए बाय।